हेलो एवरीवन, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे यही ज़्यादा सबसे सर्च होता है कि हाउ टू अर्न, हम पैसे किस तरीके से, पैसे आप बहुत सारे तरीकों से कमा सकते हो। ये यकीन ज़रूरी नहीं कि आप स्किल सीख के कमा सकते हो, आप डिग्री लेके कमा सकते हो, आप कुछ भी थोड़ा सा सेटअप बना के आप आसानी से पैसे कमा सकते हो। बहुत सारे लोग आईफोन ले रहे, आईफोन 14 प्रो मैक्स या बहुत सारे ले रहे, चूँकि अभी पाकिस्तानी तकरीबन 7 लाख के करीब उसका प्राइस चल रहा है। तो 7 लाख में क्या नहीं आता, 7 लाख में 4 रिश्के आते हैं, 7 लाख में 10-12 70 मोटरसाइकिल आते हैं, 7 लाख में हज़ारों की तादाद में किलो टमाटर आते हैं, 7 लाख में पूरा गाड़ी केलो का भरा हुआ मिल सकता है आपको, 7 लाख में आपको एक मामूली मेहरान का एक गाड़ी मिल सकता है, 7 लाख में आपको जो हमारे केपी के साइड में तो मतलब विदाउट NCP गाड़ीज है, जो क्या आपको 7 लाख में अच्छा खासा गाड़ी मिल सकता है, 7 लाख में एक छोटा सा 2-3 सेटअप खोल सकते हैं, 7 लाख में आप बहुत सारे गरीब लोगों पे तालीम कर सकते हो, 7 लाख में आप हज़ारों की तादाद में लोगों को एक महीने का खर्चा उठा सकते हो, 7 लाख में बहुत सारी मजदूरों की या बहुत सारी बीमारों की इलाज कर सकते हो, 7 लाख में आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए बहुत कर सकते हो। लेकिन 7 लाख में हम क्या करते हैं, मोबाइल लेते हैं, वो भी आईफोन कल टूट जाते हैं, वैसे वैसे न्यू मॉडल आते हैं तो कचरे, ये इससे पहले 4S, 5S ये भी इलाकों में आते थे, अभी 6,000-5,000 में भी नहीं बिक पा रहे। तो आप लोग जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करते हो वहाँ पर देखो मैं कितना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उससे मुझे कितना रिवेन्यू आ रहा है, कितना मुझे वापस मिल रहा है। क्योंकि हम ऐसी चीज़ों पे इन्वेस्ट करते हैं कि हमारे लिए जो ना बोझ बन जाते हैं। आप लोगों ने बोझ नहीं खरीदना है, आप लोगों ने जो है ना एसेट खरीदना है, सरमाया जहाँ पर आप लोगों ने करना है वो आपको पता हो। जब भी मुझे ज़रूरत पड़े ये सरमाया, मुझे जब मैं इसको बेचूंगा डबल कीमत मुझे देगा। आईफोन 13 प्रो या 14 मैक्स अगर आप अभी 7 लाख पे ख़रीदते हो तो तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 5 महीने बाद यही आईफोन 14 प्लस के ना ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 लाख को भी आपको नहीं मिलेंगे। जितना जल्दी न्यू मॉडल आएंगे उतने जल्दी ये हाथ में मिल जाएगा। सो मेरा बताने का मतलब यही कि आपने जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करने है सोच समझ के कीजिए और ये सोच के करिए कि मुझे कितना रिटर्न मिलने वाला है। सो थैंक यू।